आज के इस वीडियो के द्वारा मैं आपको ग्रीन टी से होने वाले नुकसानों के बारे में बता रहा हूँ। वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊँगा कि एक दिन में कितनी ग्रीन टी पीनी चाहिए ताकि कोई नुकसान ना हो, और मैं यह भी बताऊँगा कि ग्रीन टी पीने का सही समय कौन सा होता है। तो चलिए सबसे पहले इसके नुकसानों के बारे में जान लेते हैं। ग्रीन टी में कैफीन होती है। जी हाँ दोस्तों, कॉफ़ी के अलावा ग्रीन टी में भी कैफीन होती है, लेकिन ग्रीन टी में इसकी मात्रा कॉफ़ी जितनी नहीं होती, उससे कम होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में ग्रीन चाय पीता है तो फिर उसे कैफीन से संबंधित साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे पेट की समस्याएं, उल्टी, दस्त तथा नींद न आने की समस्या। और ग्रीन चाय का सबसे बड़ा नुकसान तो यह है कि इसका बहुत अधिक मात्रा में सेवन करने पर शरीर में आयरन की कमी हो जाती है। दरअसल जब हम खाना खाने के तुरंत बाद ग्रीन चाय पी लेते हैं तो ग्रीन चाय में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके कारण हमारा शरीर उस खाने में से आयरन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जिसके कारण शरीर में आयरन की कमी हो जाती है। इसलिए ग्रीन चाय को हमेशा सुबह का और दोपहर का खाना खाने के एक घंटे बाद ही पीना चाहिए। ग्रीन चाय पीने से ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा बढ़ जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस वह बीमारी है जिसमें कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रीन चाय ज़्यादा पीने से यूरिन के द्वारा जो कैल्शियम शरीर से बाहर निकलता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, और कैल्शियम की कमी होने से ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा बढ़ जाता है। ग्रीन टी में ऑक्सैलिक एसिड होता है। ऑक्सैलिक एसिड के कारण गुर्दे की पथरी हो सकती है। इसके अलावा ग्रीन टी में यूरिक एसिड, अमीनो एसिड, कैल्शियम और फास्फेट भी पाया जाता है। यह सभी तत्व ऑक्सैलिक एसिड के साथ मिलकर गुर्दे की पथरी का कारण बन सकते हैं। ज़्यादा मात्रा में ग्रीन चाय पीने से भूख में कमी आ सकती है। अगर भूख में कमी आएगी तो आप सही मात्रा में भोजन नहीं करेंगे, और अगर आप सही मात्रा में भोजन नहीं करेंगे तो शरीर में पोषक तत्वों की कमी आ जाएगी, जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है। ज़्यादा मात्रा में ग्रीन चाय पीने से पुरुषों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो सकती है। टेस्टोस्टेरोन वह हार्मोन है जो पुरुषों को पुरुष बनाता है। इसकी कमी होने से सेहत को काफ़ी नुकसान हो सकता है। प्रेगनेंसी में भी ग्रीन चाय के ज़्यादा इस्तेमाल से प्रॉब्लम हो सकती है। अभी आपके मन में आ रहा होगा कि कितनी ग्रीन चाय पिए कि कोई नुकसान ना हो, तो इसका जवाब है 2 कप। अगर आप एक दिन में 2 कप ग्रीन टी पीते हैं तो इसका कोई भी दुष्परिणाम, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, और ग्रीन चाय के सभी फायदे आप ले सकते हैं। लेकिन इसको सुबह उठने के बाद खाली पेट नहीं पीना चाहिए। इसे हमेशा सुबह का खाना खाने के बाद और दोपहर का खाना खाने के बाद 1 घंटे के बाद ही पीना चाहिए, और रात को सोने से पहले भी ग्रीन चाय का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें कैफीन होती है जिस वजह से नींद ना आने की समस्या हो सकती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।